हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज लेके आई हूँ बिहार की बहुत ही फेमस मिठाई, जिसे पनीर खुरमा, छेना खुरमा या बेलग्रामी भी कहते हैं। बहुत ही डिलीशियस बनती है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से यह तैयार होती है, बस इसे बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। ऊपर से क्रिस्पी, थोड़ी सी सख्त और अंदर से बिल्कुल जूसी ये तैयार होती है। तो चलिए इस बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 200 ग्राम पनीर। तो यहाँ पनीर को मैंने इस तरह से चौकोन टुकड़ों में काट लिया है। अब एक पैन में हम लेंगे 1 कप चीनी, 200 ग्राम के लगभग ये चीनी है। अब उसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी और साथ में 1/4 कप और पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें अच्छा सा बॉईल हो जाए, तब तक हम वेट करेंगे। गैस के फ्लेम को लो मीडियम पे रखेंगे हम। यहाँ शुगर सिरप में अच्छा सा बॉईल आ चुका है। तब हम एक एक करके पनीर के टुकड़ों को इसमें डाल देंगे। सारे पनीर के पीसेस को मैंने डाल दिया है। अब इसमें एक बॉईल आ जाए, तब तक हम गैस के फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे। तो यहाँ पे शुगर सिरप में अच्छा सा बॉईल आ चुका है, तो अब हम इसे कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। बीच में आप एक बार चला लें। तो यहाँ 10 मिनट हो गए थे, 10 मिनट के बाद हम एक बार इसे चला लेते हैं। हल्के हाथों से हम चलाएंगे, अभी पनीर काफ़ी सॉफ्ट है वरना पनीर टूटने लगेंगे। तो फिर से हम इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ आधे घंटा हो चुका है, तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पनीर का कलर हल्का सा चेंज होने लगा है। तो एक बार इसे चला देंगे अच्छे से। इस टाइम पे हम ऐड करेंगे हरी इलायची क्रश की हुई, ये टोटली ऑप्शनल है, फ्लेवर के लिए मैंने इसे ऐड किया है। इसे डाल के अच्छे से हम चला लेंगे। तो यहाँ पे मुझे चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है, तो इस टाइम पे मैं यहाँ पे 1/4 कप गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको भी लगे कि चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो रही है तो आप गर्म पानी उसमें डाल सकते हैं, पर ठंडा पानी आप नहीं डालिएगा। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से चला लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आप हेवी बॉटम वाले बर्तन का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पतले तले वाले बर्तन में बनाने से आपकी चाशनी बहुत जल्दी गाढ़ी होने लगेगी और आपको बार बार पानी ऐड करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप हेवी बॉटम वाले बर्तन में ही इसे बनाएं। तो अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फिर से कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए। यहाँ आधा घंटा और हो चुका है और यहाँ पे हमारा पनीर में बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। हमारा पनीर खुरमा बनके तैयार है। लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया इसे बनने में, चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे किसी स्ट्रेनर या छलनी में हम निकाल लेंगे, ताकि सारी जो चाशनी है वो अलग हो जाए इससे। जो बची हुई चाशनी है उसके आप पुआ बना लें या फिर उससे किसी और मिठाई बना लें आप इसे।
10 से 15 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही रहने दें ताकि सारी चाशनी इससे निकल जाए। 1 से 2 घंटे के लिए हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार पनीर खुरमा। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।